आप सुन रहे हैं एक ऑडियो सीरीज बीवी बाय चांस, प्यार और धोखे से भरी एक बहुत ही रोमांचक लव स्टोरी। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे ऑफिस खत्म होने के बावजूद रोशनी को अपने नए बॉस के साथ देर रात को ऑफिशियल काम बताकर उसके घर से कुशल त्रिवेदी और मोहित कुकरेजा ने उसको अपने साथ जाने पर विवश कर दिया था। इस इंटरेस्टिंग कहानी का आगे का हाल सुनाने के लिए हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। हम यानी मैं आरजी नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज, आपके अपने ACFM पर। एपिसोड 17, दिमाग की बत्ती गुल। गाड़ी में रोशनी सहमी सी बैठी थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था और उसे पता नहीं था कि उसकी गलती की उसे क्या सजा मिलने वाली है। मोहित के जहन में क्या चल रहा था और वह रोशनी को कहां लेकर जा रहा था, इसका रोशनी को जरा भी अंदाजा नहीं था। इसके अलावा ऐसी शानदार गाड़ी में अपनी कंपनी के सीईओ के साथ इन भद्दे कपड़ों में बैठने की वजह से रोशनी को एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो रही थी। कुशल त्रिवेदी भी गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने गाड़ी को चलाना शुरू किया। जब गाड़ी ने चलना शुरू किया तब आखिरकार रोशनी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर मोहित से पूछा, सर हम लोग जा कहां रहे हैं? मोहित ने लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे वे और भी घबरा गई। रोशनी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। उसने मन ही मन मोहित को बुरा भला कहना शुरू किया, खड़ूस कहेगा, ऑफिस के बाद अगर कहीं ऑफिशियल काम था तो मोहित को यह बात ऑफिस में ही बता देनी थी ना। कम से कम मैं ऑफिशियल काम के लिए ढंग के कपड़े तो पहन के तैयार रहती, बस अपना मुंह उठाया और पागल मेरे घर चला आया, जैसे मैं उसकी एम्प्लॉय नहीं नौकरानी हूं। यह नंबर तुम अपने दिमाग में हमेशा के लिए नोट कर लो, मोहित ने अपनी गंभीर आवाज में कहा। रोशनी अपने प्रश्न के उत्तर का जवाब एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मोहित ने जब अचानक से यह बात बोली तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। दो पल तक कंफ्यूज रहने के बाद वो अचानक से कुशल त्रिवेदी से चीख कर बोली, रुको गाड़ी रुको, मिस्टर त्रिवेदी मैं अपना फोन और अपने फ्लैट की चाबी दोनों ही अपने घर छोड़ आई हूँ। आपने कहा था कि मोहित सर नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी में मैंने न तो अपना फोन लिया और न अपने घर की चाबी। अब मैं कैसे इनका बताया हुआ फोन नंबर नोट करूंगी? आपने ये भी नहीं बताया था कि हमको कहीं जाना है। आप गाड़ी रोकिए प्लीज, मैं बस दो मिनट में अपना फोन और घर की चाबी लेकर वापस लौटती हूँ, वरना मैं अपने घर में वापस कैसे घुसूंगी? मोहित से उसका इस तरह से चीखना बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे जो बात ज्यादा खली वो यह थी कि ये लड़की उसकी बात को बिल्कुल समझ नहीं सकी। उसने धीमे से रोशनी से कहा, लगता है तुम्हारा टॉप फ्लोर बिल्कुल खाली है। फिर उसने कुशल से कहा, अब तुम ही इसे समझाओ त्रिवेदी। दरअसल रोशनी का इस तरह से कुशल त्रिवेदी से चिल्लाकर बात करना मोहित कुकरेजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मोहित यूजुअली धीमे से अपनी बात करने और सुनने का आदी था। वो अपनी कड़कदार आवाज तभी इस्तेमाल करता था जब उसे बड़ी जोर से गुस्सा आता था। मोहित ने मन ही मन सोचा, इस लड़की का नाम रोशनी किसने रखा? दिमाग की तो बत्ती बिल्कुल गुल है, शालीनता नाम की चीज तो है ही नहीं इसमें। फोन पर बेहूदगी तो ठीक है, मैंने माफ कर दिया, इसे यह सोचकर कि इसके पास मेरा प्राइवेट नंबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ गाड़ी में मेरे सामने भी उसी बेहूदगी से पेश आने से यह बाज नहीं आई। उस पर कैसे भद्दे कपड़े पहन रखे हैं इसने? इसके माँ बाप को इसका नाम रोशनी की जगह बेहूदी रखना चाहिए था। मोहित ने एक बार फिर से रोशनी को घूर कर देखा और रोशनी में जरा सी भी समझ खोजने की कोशिश की। मोहित का उसे इस तरह देखने से रोशनी में अपने कपड़ों को लेकर और भी हीन भावना जाग गई। मोहित की आंखों में जो गुस्सा उसने देखा, उसे लगा कि वो बस उसे अपनी अपंग लातों से ही किक मारकर गाड़ी से बाहर फेंकने वाला है।
वह जाकर गाड़ी की पिछली सीट के कोने में दरवाजे के पास सटक कर बैठ गई, मोहित की लाचार टांगों से थोड़ी दूर। ये देखकर मोहित को उस पर और भी गुस्सा आया और उसने मन ही मन सोचा, लातों की भूत लगती है, इसको ढंग से कही हुई बातें शायद समझ में नहीं आएगी, ना समझी की तो जैसे इसने सीमा ही पार कर रखी है। जो बात मैं उसे समझाना चाह रहा था वो बात इस लड़की के बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ी। मैंने उसे अपना नंबर अपने दिमाग में बैठा लेने के लिए कहा था ताकि वह आगे से मेरा फ़ोन इग्नोर न करे, लेकिन यह मेरी बात को ढंग से सुने और समझे बिना ही कुशल पर लगी चिल्लाने। उसने ये भी नहीं देखा कि मैं उसे इशारे से खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ। बस अपने ही धुन में त्रिवेदी पर चीखते चिल्लाते हुए अपनी बात बोलती चली गई। मोहित का गुस्सा लाजमी था और उसने अब तक जो संयम बरता था वो भी काफी काबिले तारीफ था, लेकिन उसको क्या पता था कि रोशनी के मन पर क्या क्या गुजर रही थी। वो जाकर भी मोहित को नहीं समझा पा रही थी। उसकी इस घबराहट का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुशल त्रिवेदी है। कुशल ने उसे ऊपर अपने घर के सामने इस तरह से डरा दिया था कि वे जल्दबाजी में बिना किसी तैयारी के नीचे चली आए। कपड़े बदलने का समय भी नहीं दिया उसने। त्रिवेदी को तो मालूम था कि वो लोग काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाने वाले हैं। उसे रोशनी को मौका देना चाहिए था ताकि वो पूरी तैयारी करके उसके साथ चल सके। रोशनी ने रेयर व्यू मिरर में ही त्रिवेदी को गुस्से भरी नजरों से घूरा। रोशनी ने देखा कि त्रिवेदी उसकी हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। रोशनी का गुस्सा और भी बढ़ा, लेकिन फिर उसकी निगाह अपने बॉस की तरफ गई जो गंभीर रूप से उसके पास पिछले ही सीट पर बैठा था। उसे देखकर रोशनी ने कुशल से और कुछ कहने का इरादा बदल दिया। रोशनी के पास उस वक्त पॉकेट में चवन्नी तक नहीं थी। अगर उसे ये पागल और सनकी आदमी कहीं आधे अधूरे रास्ते में उतार कर चला जाए तो वो क्या करेगी? वो कैसे इस ठंड में अपने घर वापस लौटेगी? रोशनी अब खुद को ऐसे ही किसी सिचुएशन के लिए तैयार करने लगी थी कि अगर उसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो वो क्या करेगी और उस अनहोनी का सामना वो कैसे करेगी। पता तो हमें भी नहीं है कि मोहित कुकरेजा के जहन में क्या चल रहा था। क्या वो रोशनी की किसी दूसरी बात पर इतना गुस्सा था कि वो उसे नौकरी के पहले ही दिन बर्खास्त करके देर रात में अपनी गाड़ी से उतार कर इस ठंड में अकेले छोड़ देने वाला था? उस सनकी आदमी के लिए ऐसा कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो बेचारी रोशनी अकेले रात को इस ठंड में पैदल चलकर घर कैसे पहुंचती, और अगर किसी तरह पहुंच भी जाती तो फिर वो अपने फ्लैट में कैसे घुसती, क्योंकि चाबी तो वो घर में ही भूल आई थी। इसका मतलब रोशनी ने अगर एक और गलत हरकत की तो सजा में उसे सारी रात इस ठंड में रास्ते पर ही गुजारनी पड़ती। नौकरी चली जाती वो अलग। आज के लिए कहानी यहीं तक, आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए। जल्दी फिर मिलेंगे आपके अपने ASFM पर। मैं आरजे नवनीता और इस कहानी के लेखक मनोज, बने रहिए हमारे साथ। बस इतना ही चाहते हैं।